छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए फिलोसफी की स्पेशल क्लास चला रहा हूं। आप लोग को काफी लाभ मिलेगा उससे। पिछले साल आप लोग को मालूम ही, जो उन्होंने मेंस दिया होगा, पूरा पेपर मेरे टेस्ट सीरीज से आया था और पूरा पेपर मेरे नोट्स से आया था। मेरे नोट्स मार्केट में बिक भी रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नए तरीके से इनोवेटिव आइडियाज के साथ उतरा हूं, ताकि आप लोग का मेंस में एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय दर्शन, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था, फिर बता रहा हूं, भारतीय दर्शन दो भागों में विभाजित है। एक है आस्तिक, नेक्स्ट वन यानी दूसरा है नास्तिक। आस्तिक दर्शन की बात करें तो इसमें छह दर्शन आ जाते हैं। सांख से हम शुरू करते हैं, सांख, उसके बाद न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, वेदांत, उसके बाद योग। ये आपके षड् दर्शन कहलाते हैं, षड् दर्शन। अब नास्तिक की बात करें दोस्तों, तो बौद्ध, जैन, और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से पिछली बार क्वेश्चन आया है, चवाल। इस बार इसके लिए मैं आपको गेस्ट क्वेश्चन दूंगा, वो 100% फंसेगा चवाल पे। चवाल जो फिलोसफी है वो और फिलोसफी से बिल्कुल हटके फिलोसफी, एक टोटली बेस्ड ऑन मेटलिस्टिक फिलोसफी। दिस इज अ टोटली प्योर मेटलिस्टिक फिलोसफी, यानी पूरी तरीके से भौतिकवाद पे आधारित है, भौतिक सुख पे आधारित है। ये प्रत्यक्ष के अलावा किसी चीज को प्रमाण नहीं मानते, न ही ईश्वर को मानते हैं, न ही वेदों को मानते हैं, और ना ही ये अनुमान को मानते हैं, ना ही उपमान को मानते हैं। ये सब चीजों का रिफ्यूटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जैन है। जैन की फिलोसफी हम पढ़ेंगे, इसमें अनेकांतवाद पढ़ेंगे हम। ठीक है, अनेकांतवाद का मतलब अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं और उसमें सबके धर्म अलग अलग हैं। जैनों ने सात तरीके से उसका न्याय दिया है, उसमें सप्तांगी न्याय कहते हैं और स्यादवाद कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बौद्ध में हम पढ़ेंगे प्रतीत समुत्पाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दो सो थोड़ी अनाथवाद पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भारतीय दर्शन के स्वरूप की, नेचर ऑफ इंडियन फिलोसफी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पिछली बार भी जो है क्वेश्चन इससे नहीं पूछा था, लेकिन इस बार पूछेगा। गाइस, एज यू ऑल नो अबाउट द इंडियन फिलोसफी, अबाउट द फिलोसफी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन फिलोसफी, मैं इंडियन फिलोसफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर फिलोसफी की बात कर रहा हूं। फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंस, सारी साइंसों की जननी फिलोसफी को माना गया। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन फिलोसफी यानी स्वरूप, स्वरूप की बात करें तो कुछ चेंज किया मैंने अपने पुराने नोट से, कुछ चीजें चेंज की हैं। स्वरूप की बात करें तो थोड़ा सा चेंज है। आत्मा की अमरता, हमारे आत्मा को अमर माना गया है, इमॉर्टल माना गया है। आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है, परंतु बौद्ध के हिसाब से आत्मा को नहीं माना गया है, और चवाल भी आत्मा को नहीं मानते। ठीक है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, सब लोग कहते हैं, आप लोगों ने बड़े बड़ों से भी सुना होगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा जन्म पाओगे, अच्छी योनि में जाओगे। यहां भी ये है, एज वी सो एज वी रीप, मतलब हम जो बोएंगे वो काटेंगे। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज के ऊपर, कि विश्व एक नैतिक रंगमंच, वॉट इज अ मॉरल प्लेटफॉर्म, नैतिक रंगमंच, नैतिक रंगमंच, वॉट इज अ मॉरल प्लेटफॉर्म, और इसकी डोर कोई ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ में है। वी ऑल आर द एक्टर्स, हम यहां पे एक किरदार है, तो अपना अपना किरदार निभाने जाए, और उस हिसाब से हम लोग को फल मिलेगा। लॉ ऑफ कर्म, सबसे बड़ी चीज पूरी इंडियन फिलोसफी जो है
लॉ ऑफ कर्म में कई जगह बात करती है, यानी कर्म नियम का सिद्धांत। कर्म नियम का सिद्धांत, इसमें यह लगता है कि जो आप करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो पुण्य मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पुण्य, ठीक है। खराब करोगे तो आपको पाप मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सिन, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई स्वरूप की बात करें। अब भारतीय दर्शन बेसिकली बात कर लेते हैं दर्शन पे, कि दर्शन आपके यहां सीजीपीएससी में लगाया क्यों गया। पहले दर्शन नहीं था, दर्शन शास्त्र नहीं से लिखा, और दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा सिलेबस है। जीएस में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सिलेबस आपका दर्शन का है। इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी को दोनों को रखा गया है, प्योर आईएएस का सिलेबस उठा के रखा गया है। क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया दोस्तों कि ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो चुके, कंप्लीट आपका डेवलपमेंट हो चुके। जब आप एकेडमी में जाएं, जब आप ट्रेनिंग में जाएं, तो आपके अंदर कुछ दार्शनिक विचार हो, तार्किकता हो, रैशनलिटी हो, इसलिए दर्शन रखा गया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं विदा लूंगा आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे शामिल होता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।